हाय गाइस, दिस इज दिनेश फ्रॉम कानपुर। हम बात करेंगे आज छोटे छोटे फैक्ट के बारे में, लाइफ से रिलेटेड, जो हम लोग के लाइफ में, डेली लाइफ में अक्सर होती रहती हैं, बट हम उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। तो पहले हम बात करेंगे प्लेसिबो इफेक्ट क्या है। ये साइंस का ही पार्ट है, तो प्लेसिबो के इफेक्ट के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि कई लोग इच्छुक रहते हैं इन सब चीज़ों के, मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ें, अद्भुत चीज़ें जानने के लिए लोग उत्सुक रहते हैं। तो हम बात करेंगे आज प्लेसिबो इफेक्ट। व्हाट इज प्लेसिबो इफेक्ट, क्या है प्लेसिबो इफेक्ट? हम बात करेंगे आज प्लेसिबो इफेक्ट की। दिस इज द प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट में जो पर्सन होता है तो वो कंडीशन के अनुसार ढल जाता है। मेरे कहने का मतलब है कि प्लेसिबो इफेक्ट एक ऐसी चीज़ है जो अगर एक्टिव हो जाए प्रॉपर तरीके से तो इंसान उसी कंडीशन में उसी रूप में ढल जाता है, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल एक फीमेल है, दिस इज द बाला, दिस इज द हेयर, दिस इज द नोज, दिस इज द गर्दन, दिस इज द टांग। आई एम जोकिंग यार। तो दिस इज द बॉडी गार्ड फीमेल। बहुत हेल्पफुल है, बॉडीज हैं, बेटर हेल्थ है इस फीमेल की, बट अगर इसको कोई बोल दे कि आपको सोर प्रॉब्लम हो गई है, मेरे कहने का मतलब है कि भूत लग गया है, मेरी बात समझ में आ रही ना, मैं क्या करूँ कि भूत लग गया है, सोर प्रॉब्लम हो गई है। तो सोर प्रॉब्लम में जान दो क्या होता है। सोर प्रॉब्लम में जो होता है, तो जब ये किसी वैद्य के पास जाती है या किसी पर्सन के पास जाती है, डॉक्टर के पास जाती है अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए, तो जब इसको ट्रीट करते हैं तो इसको कैसे ट्रीट करते हैं, इसको इसके बाल पकड़ते हैं, ईयर्स पकड़ते हैं, इसको बोलते हैं कि तेरे को कौन सा भूत लगा है, बोल कब तक में छोड़ेगा, जो बोलते हैं, मतलब कि जो कंडीशन इसके साथ हो रही है वो उसी कंडीशन में इसका ब्रेन ढल जाता है। ये ब्रेन डायरेक्शन ट्रांसफ़र बोलते हैं इसको, मतलब जो इस कंडीशन में जो ब्रेन होता है तो कंडीशन के अनुसार ट्रांसफ़र हो जाता है, मतलब कंडीशन के अनुसार मूव कर जाता है। तो वैसे ही है, फिर इसको और एक्टिंग करने का शौक़ हो जाता है, मतलब कि इसको एक्टिंग करने का शौक़ नहीं होता, ये इसका जो ब्रेन ट्रांसफ़र हो चुका है कंडीशन के अनुसार, तो उसी कंडीशन के अनुसार फिर वो पूर्णतः काम करने लग जाता है। फिर इसको मारते हैं, इसको पनिश भी करो तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, इसको चाहे कितना भी मार दो, कितना भी इसको हार्मफुल करो, इसके बॉडी को हार्म करो, इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये प्लेसिबो इफेक्ट का शिकार हो गई है। मेरे कहने का मतलब जो प्लेसिबो इफेक्ट होता है तो बड़ी स्पेशली चीज़ होती है, अद्भुत चीज़ होती है, जो इसका शिकार हो जाता है तो उसको फिर अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती खुद के ऊपर कि मेरे साथ क्या हो रहा है। फॉर एग्जांपल सेकंड एग्जांपल की अगर हम बात करें, जैसे कि नवरात्रि में क्या होता है कि वन ईयर यानी कि एक साल होता है, एक साल में सिक्स मंथ में नवरात्रि होती है, तो जो एक नवरात्रि होती है तो उसमें क्या करते हैं कि जो गांव से बिलोंग करते हैं, जो विलेज से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे एक सोशल, वहाँ क्या होता है कि एक रिहर्सल होता है, एक प्रोग्राम्स होते हैं वहाँ पे नवरात्रि में, तो वो क्या करते हैं कि वो जो घर पे गांव पे जो सांग वगैरह होती हैं, जो तलवारें होती हैं, जो अंगारे होते हैं, उन पे चलना पड़ता है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे मुस्लिम लोग हो गए, हिंदू लोग हो गए, क्रिश्चियन लोग हो गए, तो इन सब का जो अलग अलग जो लोग धर्म के हैं लोग, तो सबके अपने धर्म में सबका स्पेशली फेस्टिवल होता है जिसके थ्रू वो अपना काम करते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल जो मुस्लिम होते हैं तो उनका एक फेस्टिवल होता है, तो उसमें अंगारों पे चलना पड़ता है, तो वो अंगारों पे जब चलते हैं, हालांकि अगर उनको थोड़ा स्विच उबा दो तो बहुत पेनफुल होता है, बहुत दिक्कत करता है उनको, लेकिन उसी टाइम जब वो फेस्टिवल के दौरान वो जब अंगारों से चलते हैं तो उनको समझ में नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ पे चल रहे हैं, बस वो मस्त उसी मस्ती में झूर हो जाते हैं और चलते रहते हैं, उनको इफेक्ट भी नहीं पड़ता ना, उनको मैसेज, उनके ब्रेन तक मैसेज आता है कि हमको कहाँ पे चल रहे हैं, उनको क्या हो रहा है, तो
वो चले जाते हैं। वहाँ पे क्या होता है, प्लेसिबो इफेक्ट एक्टिव रहता है। प्लेसिबो इफेक्ट जो होता है तो वहाँ पे वेरी तरह बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, वेरी मोर एक्टिव हो जाता है। तो प्लेसिबो इफेक्ट एक्टिव हो जाने की वजह से वो उसको नहीं पता रहता कि मैं किस चीज़ किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, क्या हो रहा है मेरे साथ, कैसे कैसे हो रहा है, वो सब कर जाता है कंडीशन के अनुसार। तो ऐसा सब होता है। तो ये सब प्लेसिबो इफेक्ट के वो हैं, फंडा है। ह्यूमन में क्या होता है, सॉरी क्या कहते हैं, हिंदू में क्या होता है कि मैंने बोला कि नवरात्रि जब होती है तो उसमें क्या करती है कि जो तलवार से होती हैं, जो सांस वगैरह होते हैं, तो उसको अपने बॉडी में एंटर करवाते हैं। जैसे दिस इज अ जैसे फॉर हमारा ये हो गया गर्ल्स, इस पार्ट से डाल देते हैं, दूसरे इस पार्ट से निकाल देते हैं। तो उनको नहीं समझ में आता कि भाई ये क्या हो गया, बस उस और फिर वो अपना मस्ती में अपनी धुन में फ्री स्टाइल में अपना काम करते रहते हैं, जो जो उनका काम रहता है। उनको नहीं पता चलता कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हम क्या क्या चीज़ें हमारे साथ गुजर चुकी हैं। बट अगर नॉर्मल कंडीशन में अगर उनके थोड़ा सा स्विच चुबा दो तो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन उस कंडीशन में प्लेसिबो इफेक्ट जब एक्टिव रहता है, उस कंडीशन में अगर उनको मार भी डालो, काट भी डालो, उनके किसी पार्ट को काट दो, तब भी उनको फ़र्क नहीं पड़ता, उनको समझ में नहीं आता, उनको समझ में बिल्कुल भी नहीं आता कि मेरे साथ क्या हो गया है, वो नॉर्मल कंडीशन जैसे ही रहते हैं। तो दिस इज द प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट बड़ी अजीबोगरीब चीज़ होती है जो अपने ब्रेन पे होती है, ब्रेन के अकॉर्डिंग होती है। सो ऐसी कंडीशन कहीं आप देख आपको देखे तो समझ जाएगा कि ये प्लेसिबो इफेक्ट ही है। अब बात करेंगे थोड़ा सा इमोशन की। इमोशन भाई, इमोशन बड़ी गंदी चीज़ होती है, यूँ कहूँ तो बड़ी कुत्ती चीज़ होती है। इमोशन मेरे कहने का मतलब है कि इमोशन जो होता है तो इमोशन ही बर्बाद करता है। मेरे कहने का मतलब है कि जो इंसान की सबसे बड़ी बर्बादी का कारण सिर्फ इमोशन होता है। लोग इमोशन हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि इमोशनल इमोशनल फुल लाइफ इज मार्केट ऑफ दिस इज द सेंटेंस फॉर मी। मेरा सेंटेंस है कि इमोशनल फुल लाइफ इज मार्केट ऑफ पेन, मतलब भावुक भरी जिंदगी दुखों का बाजार है। सो प्लीज़ मेरे फ्रेंड को, मेरे दोस्तों, कभी इमोशनल मत होना। कभी लाइफ में कैसे भी ट्रिक्स आते हैं, कभी भी कैसी भी कंडीशंस होती हैं, क्या क्या हमारे लाइफ में होता है, क्या क्या हमारी लाइफ की कंडीशन होती है, किस कंडीशन में हम आके फंस जाते हैं, रिलेटिव हो गया, फ्रेंडशिप हो गया, रिलेशनशिप हो गया, फैमिलीज हो गई, लव हो गया, फ्रेंडशिप हो गई, कई कंडीशन होते हैं। इन सब कंडीशन में कभी इमोशनल मत होना, क्योंकि इमोशनल हो गए तो वहाँ पे आपको तकलीफ हो जाएगी, फिर सामने वाला आपका नजायज़ फायदा ले लेता है, उठा लेता है, तो वो सब मत करना, ठीक है। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, रिक्स लाइफ में कभी रिक्स मत लेना। लोग कहते हैं ना कि अगर वो लाइफ ही किस काम की जिस लाइफ में रिक्स ना हो, वो प्यार ही किस काम का जिस प्यार में रिक्स ना हो, वो लव, वो फैमिलीज, वो मैटर ही क्या जिसमें रिक्स ना हो, ऐसे लोग कहते हैं। बट मैं एक ही सलाह देता हूँ हमेशा, मेरी सलाह ये है कि कभी लाइफ में रिक्स मत लेना। लाइफ में जितनी चाहे रिक्स लेना हो ले लेना, बट कभी लाइफ के साथ रिक्स मत लेना, ठीक है। तो क्योंकि लाइफ रहेगी तो रिक्स रहेगा, लाइफ ही नहीं रहेगी तो रिक्स का क्या करोगे लोग। और उस टाइम जब हम रिक्स लेते हैं बड़े बड़े, तो उस समय प्लेसिबो इफेक्ट काम करना शुरू कर देता है। जब प्लेसिबो का इफेक्ट काम करना शुरू कर देता है तो हम रिक्स और बड़े बड़े ले लेते हैं, जिससे हम अपनी लाइफ को ही सेव नहीं कर पाते। सो प्लीज़ लाइफ को सेव करो। लाइफ रहेगी तो सब कुछ रहेगा, लाइफ नहीं रहेगी तो कुछ नहीं रहेगा। दिस इज द रिक्स। और इमोशन तो कभी होना नहीं। फॉर एग्जाम्पल, एक बार क्या हुआ था कि मैं स्टेटस में डाल दिया था कि जिसको भी हार्ट किडनी ब्रेन का ऑपरेशन करवाना हो तो प्लीज़ मेरे को संपर्क करें, मैं दोस्तों को अपने पर्सनल लोगों का फ्री में ऑपरेशन करूँगा, क्योंकि मैं यूट्यूब से सीख लिया हूँ। लॉकडाउन की वजह से घर में था इसलिए मैं यूट्यूब में खड़े खड़े सीख गया हूँ। बस ऐसे जोकिंग चैट बनाकर मैंने स्टेटस पर डाल दिया था। मेरे फ्रेंड ने देखा तो इमोशनल हो गया, बोला यार तुम इतने बड़े डॉक्टर कैसे हो गए यार, बोला यार तुम बताओ स्टेटस वो यूट्यूब में देख के सर्जरी तुम रियल में करोगे, ऐसा नहीं हो सकता यार, गलत बात, मतलब बिल्कुल सीरियस हो गया था। उसे ये नहीं पता था कि मैम आई एम जोकिंग, मैं मजाक कर रहा हूँ। मतलब कि इतने इमोशनल फुल लोग होते हैं इस सोसाइटीज़ में कि हम कुछ कह ही नहीं सकते यार।
फेसबुक में देखो, ट्विटर में देखो, और कोई भी मतलब सोशल मीडिया या सोशल प्ले प्लेटफॉर्म में चले जाओ, वहाँ पे तुम देखो, व्हाट्सएप में चले जाओ, कहीं चले जाओ, वहाँ पे इतने इमोशनल लोग मिल जाएंगे कि यार मेरे तो सोच के बाहर है। मैं मतलब सोच ही नहीं पाता कि ऐसे लोग कैसे रहते हैं इस लाइफ में। मतलब थोड़ी सी कोई भी पॉइंट पा गए हैं तो इमोशनल हो जाते हैं। एक बंदे ने बोला कि भाई, मैंने एक लाइन लिख दिया है, मैं अपने सर की एक लाइन लिख दी, मेरे सर का डायलॉग है कि मेरे सर का एक डायलॉग था, कौन सा था वो, मैं मजाक करता हूँ, मेरी बातें मजाक की होती हैं, मगर मैं मजाक में बात करता हूँ पर मेरी बातें मजाक की नहीं होती, ये मेरे सर का डायलॉग था। मैंने भी इसी को अपने व्हाट्सएप में डाल दिया। मेरे दूसरे फ्रेंड ने देखा, बोला यार तुम यार कॉपी की हो भाई, सर की कॉपी कैसे कर ली, तुम सर की कॉपी करते हो। मैंने कहा देखो, तो इमोशनल खुल आदमी को सीरियस हो गया। बता भाई, इस दुनिया में एक ऐसी लाइन मुझे बता दो आप सब लोग जिसका आज तक कोई कॉपी ना किया हो। दुनिया में हर एक लाइन कॉपी होती है, बट ये चीज़ उसके पल्ले नहीं पड़ती। सो प्लीज़ यार, अपने बॉडीज़ को, अपने मेंटेनेंस, अपने बॉडी बैलेंस को मेंटेन करके रखो, अपने आप को कंट्रोल करो, और ज़्यादा इमोशनल मत हो, क्योंकि इमोशनली बर्बाद करते हैं इंसान को। सो प्लीज़ नो इमोशनल भाई, और लाइफ को इंटरेस्टिंग तरीके से जियो। सो मैं यही गाइडेंस देता रहूँगा आपको जो मेरे पास है। मेरे कहने का मतलब ये है कि लाइफ में हमेशा मस्ती करते रहो, कभी इमोशनल मत हो, कभी भावुक मत हो, क्योंकि भावुक होने से, रोने से, इमोशनल होने से कंडीशन सॉल्व नहीं हो जाती। तो ये सब चीज़ें होती हैं, मेरे कहने का मतलब मशीन होती है। मैं तो कहता हूँ कि बॉडी HUMAN ह्यूमन बॉडी इज अ MATCHIN ह्यूमन बॉडी इज़ अ मशीन। ह्यूमन बॉडी जो होती थी एक मशीन की तरह होती, उसे मशीन की तरह ही ट्रीट करो। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो बॉडीज होती है अपन की, तो उसकी हम अपने बॉडी को एक मान लेते हैं कि एक मशीन है, ठीक है, तो मशीन की तरह ही इसको ट्रीट करेंगे। मतलब इसकी प्रॉपर एक रिक्वायरमेंट होती है जो हमको प्रोवाइड करवाना पड़ेगा टाइम के अनुसार। ये सारी चीज़ें क्लियर करनी पड़ती हैं हमको, किस टाइम रोना है, किस टाइम हंसना है, किस टाइम क्या करना है, ये सारी चीज़ें हमको खुद क्लियर होनी चाहिए, ठीक, क्योंकि अपनी बॉडी है, अपनी मशीन है, अपने हिसाब से उसको चलाओ, किसी और के शब्दों के फेर में आके क्यों अपनी मशीन को, दूसरे के, अपनी मशीन का हैंडल किसी और के हाथ में थमा रहे हो। मेरे कहने का मतलब है कि अपनी लाइफ है, हमारी जो बॉडीज है ये एक मशीन है, एक गाड़ी है, तो इस गाड़ी के हैंडल किसी और के हाथ में मत थमाओ, अपनी गाड़ी का हैंडल खुद ही अपने हाथ में रखो। मेरे कहने का मतलब ये है। तो सो प्लीज़ यार, ऑल टाइम हैप्पी एंड मस्ती करते रहो। सो गुड लक, टेक केयर, बाय बाय। आपका दिनेश, थैंक यू।